आज हमने तैयार किया है जी कोफ्ता बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार और एक यूनिक सी डिश है और बहुत आसान है। आप मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि ये कितनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक देखने का मकसद ये है कि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। आप लोग हेल्प करें मेरी और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, इससे मुझे अच्छा लगता है। और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए आइए कोफ्ता बिरयानी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुरम होंगे। ईद का सीज़न चल रहा है, अभी ईद के खाने जो हैं वो बन रहे हैं, घरों में मेहमान आ रहे हैं और कभी हम लोग मेहमान बन के जा रहे हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है और चलना है इसने अभी काफ़ी, तो मुख्तलिफ चीज़ें बनती रहती हैं। तो आज जो मैं चीज़ बना रही हूँ वो मैं बनाऊँगी कोफ्ता बिरयानी, या फिर उसको कहेंगे मोती पुलाव। तो इसके लिए मैंने लिया है कीमा, गोश्त मैंने लिया था तकरीबन 3 पाव गोश्त है, और इसमें मैंने प्याज एक तकरीबन 200 ग्राम प्याज है और 1.5 गड्डी लहसुन है वो मैंने डालकर इसको, और मैंने इसको कीमे वाली मशीन से जो है वो निकाल लिया है, लेकिन अभी इसमें दाना दाना मौजूद है, ये देखें। तो मैंने इसको पीस लेना है कुंडी में और सिल बट्टे पर, या जिस तरह भी आप चाहें आप इसको पीस के मुलायम कर लें, इसी से अच्छे कोफ्ते बनेंगे। तो मैं इसको पीस लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, कीमा हमने पीस के, कीमा प्याज और लहसुन जो है वो बिल्कुल पीस के देखिए मुलायम कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मुलायम हो गया है। अब जो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे, उसमें हसबे ज़ायका नमक मैंने 1.5 चाय का चम्मच लिया है, और 1 चम्मच है गर्म मसाला पिसा हुआ, और 1.5 चाय का चम्मच ली है मैंने लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लें, जितना आपको तेज़ अच्छा लगता है मिर्च मसाला आप उस तरह ले सकती हैं। ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच दरदरा कर लिया है, हरी मिर्च हैं 2 अदद और उसको आप चॉप कर लें, धनिया बहुत कम था अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, आप धनिया डाल लें जितना आपने डालना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून, और लहसुन तो कीमे में पिस चुका है, ये है अदरक और अदरक भी मैंने पीस लिया है। ये तमाम मसाले इसमें शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। और अब जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है जी बेसन, बेसन को मैंने भून लिया था तवे पर, ये 2 टेबल स्पून है, आप चने भी ले सकते हैं, चने भी पीस सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और अब जो चीज़ हम शामिल करेंगे वो है ये देखें खशखाश, खशखाश को मैंने रात को भिगो दिया था, तकरीबन 2 खाने के चम्मच खशखाश मैंने साफ़ करके और पानी में भिगो दी थी, और फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर जो है ना वो बिल्कुल पेस्ट बना लिया है, तो मैं इसमें शामिल करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अच्छा जो है ना वो टेस्ट होगा इंशाल्लाह कोफ्तों का। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो गया है, अब हम बहुत ही छोटे छोटे से इसकी ना बॉल्स बना लेंगे। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, जितने बड़े छोटे आपको चाहिए, लेकिन मैं जितने बनाऊँगी ना वो मोती से कुछ बड़े होंगे, इतने साइज़ के मैं इसके बॉल्स बना लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें इसके मोती से कुछ बड़े साइज़ के मैंने जो है ना बॉल्स बना लिए हैं, और इसी के साथ ना बड़े वाले कोफ्ते भी बना लिए, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो एक ही थे, तो मुझे चाहिए थे बड़े वाले कोफ्ते भी और छोटे वाले भी, तो मैंने बड़े भी बना लिए हैं, ये देखें, और छोटे भी बना लिए हैं। अब मैंने क्या करना है, अभी फ़िलहाल मैंने इनको फ्रीज़ करना है, मैं जा रही हूँ इनको फ्रीज़ करने, और जब मैं मोती पुलाव बनाऊँगी और कोफ्तों का सालन बनाऊँगी तो उस वक्त मैं जो है ना वीडियो दोबारा से बना लूँगी, तो इंशाल्लाह आपके पास तो कम्प्लीट पहुँचेगी। तो चलिए इनको फ्रीज़ कर देते हैं। तो जी, निकाल लिए हैं मैंने फ्रीज़र में से, आज बन रही है बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी बनाऊंगी आज, तो मैंने तमाम कोफ्ते फ्रीज़र में से निकाल लिए हैं, और यहाँ पर एक कढ़ाही में मैंने रखा है घी, हसब ज़रूरत तकरीबन 100 ग्राम घी है मैंने यहाँ रख दिया, 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने काट लिया है बारीक, और मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के देखें मैंने शामिल कर दिया, इसको करेंगे हल्का सा सुनहरी, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिरयानी तैयार होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा हम इसको स्पाइसी बनाने के लिए मज़ीद क्या क्या करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम करते हैं ब्राउन। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह देखें प्याज हल्की सुनहरी हो गई है, तो इसमें हम 2 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, ये 2 चम्मच हैं तकरीबन, ठीक है ना, आपने देखा था कि ये पहाड़ वाला चम्मच बना हुआ था, तो हल्का सा इसको फ्राई कर लेते हैं कच्चापन ख़त्म करने के लिए।
काइंडली वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। और जो नए हैं प्लीज़ वो बेल आइकन भी प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिले। ये देखें, ये हमने इसका कच्चापन जो है वो तकरीबन ख़त्म किया, बाकी साथ साथ भूनता रहेगा। तो हम यहाँ पर दही शामिल करते हैं, आप टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं और दोनों चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो तकरीबन इसमें मैं 150 ग्राम दही डालूंगी। ये वाले चम्मच जो है ना, ये देखें, ये वाले मैंने भर के डाले हैं। 150 ग्राम मैंने इसमें दही शामिल कर दिया और इसको हल्का सा हम चलाएँगे। अब मसाले इसमें शामिल करते हैं और साथ साथ रहिएगा, बताती रहूँगी मज़ीद क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। तो मसालों में जो है ना, ये है धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुछ काली मिर्च ली है हमने आधे 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, नमक है फ़िलहाल, और यहाँ पर गरम मसाला है 1 खाने का चम्मच, आधी चाय का चम्मच हल्दी है, और 2 खाने के चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया है। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं, और बिरयानी मसाला की होम मेड रेसिपी इंशाल्लाह अनकरीब आपको मैं दूंगी। तो फिलहाल ये तमाम मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, इसमें शामिल कर देते हैं और इसको अच्छा सा जो है ना वो फ्राई करते हैं, अच्छा सा भूनेंगे ताकि इसका ऑयल छट जाए। और यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, चावल मैं इसमें बॉईल करूँगी। और यहाँ पर जो निशान आप देख रहे हैं, ये मैं इस देखके में जो है वो बेकिंग करती हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने स्टैंड रखा था उस स्टैंड का ये निशान है, जो कि निशान जा नहीं रहा है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो फिलहाल पानी को बॉयल आता है तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम मसाले को कर रहे हैं भुनाई, तो मसाला भूनते हैं। मसाला देखें अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है हमारा तैयार, तो घी भी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम लेमन का रस डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 चम्मच हैं ये, तो हमने लेमन जूस डाला इसमें, उसको थोड़ा सा घुमाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पानी को भी बॉईल आ गया है, तो यहाँ पर हम 6 चाय के चम्मच जो है वो नमक और 1 चाय के चम्मच ज़ीरा जो है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर देंगे, इससे जो है ना चावल खिले खिले बनेंगे और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और अब हम इसमें चावल शामिल करते हैं। चावलों को जी मैंने धोकर भिगोया हुआ था, मैंने इसका पानी निकाल दिया है, तो हम चावल इसमें शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावलों को हमने 70% गलाना है और उसके बाद जो है वो हम इसका पानी निकाल देंगे, और बाकी के जो 30% है ना वो ये बिरयानी के दम में गलेंगे। तो हम 30% रख कर इसको 70% जो है वो उसको बॉईल करेंगे। चावलों को बॉईल हो जाएं तो फिर मैं आपसे मिलूंगी, लेकिन फ़िलहाल हम मसाले की तरफ चलेंगे। अब जी मसाले में हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इतना पानी हमने मसाले में डाल दिया, मसाले को हिलाएंगे, ये देखें। और हमारे पास जो कोफ्ते मौजूद हैं इनको बहुत आराम से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, इसको कपड़े से पकड़ कर हम इस तरीके से हिलाएंगे ऐसे, और इसको ढक देंगे स्लो फ्लेम पर। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटे, ये देख सकते हैं आप, इसको भून लिया है, घी अलहदा हो गया, आप देख सकते हैं। शुरू शुरू में हमने कपड़े से पकड़ के हिलाया सिर्फ, और उसके बाद जो है ना चम्मच जो है इसको इस तरह नीचे से करके हमने इसको अच्छा सा भून लिया, और बिल्कुल कोफ्ते नहीं टूटे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर चावल भी हमारे हो चुके हैं बॉयल, जिसको हमने 70% गला लिया, और उसके बाद जो है ना ये देखें आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊँ कि किस तरह के गले हुए हैं। ये देखें इसमें कनी है, ये देखें कनी है इसके अंदर, तो हमने इसकी एक तह लगा ली है चावलों की देचके के अंदर, तो हम कोफ्तों का सालन इसके ऊपर अब लगाते हैं। अच्छा जी देखें, हमने इस तरह सालन की तह भी लगा ली है कोफ्तों की, अब हम इसके ऊपर डालते हैं धनिया और पुदीना, जो कि मैंने पत्ता पत्ता सा तोड़ के इसको और इसको जो है धो लिया था, ये हमने डाल दिया। और अब जो हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे जी, वो है कुछ स्लाइस हैं हमारे पास नींबू के, और हरी मिर्चें हैं कटी हुई, ये देखें ये भी हमने इसके ऊपर डाल दी हैं। और अब हम इसके ऊपर दोबारा एक तह लगाएंगे चावलों की जी, एक तह हमने दोबारा से लगा दी है चावलों की इसके ऊपर, और अब हम दोबारा इसके ऊपर धनिया और पुदीना जो है वो बिखरा देंगे इस तरह। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही अच्छी रेसिपी है,
और नींबू के स्लाइस डालेंगे, इसी तरह हरी मिर्चें डालेंगे कटी हुई, ये देखें, और नींबू भी निचोड़ेंगे, ये देखें इस तरीके से नींबू के बीच निकाल के आप इसके ऊपर 2 से 3 अदद नींबू जो है वो निचोड़ दें। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत अच्छे चावल बनेंगे आपके खिले खिले। ये देखें नींबू जो है ना वो मैं इसके ऊपर मैं तकरीबन 3 अदद नींबू जो है वो मैं इसको इस तरह करके मैंने निचोड़ दिए। ये इसका आखिरी पीस है, ये देखें आप रस निकाल के रख लें और इसके ऊपर इस तरह निचोड़ दें। ये मैंने निचोड़ दिए हैं और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑरेंज कलर, जर्दा रंग जो होता है वो हम पानी में, मैंने थोड़ा सा पानी में घोल लिया है, वो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से बिखरा देंगे, बड़ी अच्छी लुक आती है इससे। और अब जो आखिरी चीज़ हम इस पर डालेंगे वो है जी घी। थोड़ा सा हम घी हमने गर्म कर लिया है उसी कढ़ाई में कर लिया था जिसमें हमने अभी मसाला बनाया था, तो हमने इसके ऊपर घी भी बिखरा दिया, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ठीक है जी, आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं लेकिन घी से खाने बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब हम इसको पहले 3 मिनट हाई फ्लेम पर और उसके बाद जो है इसको 10 मिनट हमने लो फ्लेम पर दम लगाना है। ऊपर कोई वज़न रख देंगे, या हमने इसको हाई कर दिया, हमने ढक दिया है और 10 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दम हमारा आ गया है चावलों का अच्छा सा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं और कोफ्ते भी जो हैं वो बिल्कुल सही सलामत हैं, आप देख सकते हैं, देखें जी। ठीक है, तो हम जो है इनको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, साइडों से उठाएं और बीच में से ला के चम्मच ऐसे बाहर निकालें और इस तरीके से हिला दें। ठीक है, इस तरीके से आपने तमाम चावलों को मिक्स करना है और मैं आपको अब डिश आउट करके ये देखिए दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मिक्स कर लिया है अच्छा सा और अब हम इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन लाजमी दबाना है आपने, ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आप मुझे पता चले कि आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जी लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतनी अच्छी रेसिपी पे एक लाइक बनता है तो मेरी हौसला अफज़ाई होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और लाइक भी करते हैं वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखा करें प्लीज़, ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें कि ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और अच्छी अच्छी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन भी दबाइएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।